हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से निकल चुके हैं एक छोटी सी राइड पे, और आज हमारे साथ दो नए ब्लॉगर और हैं, और अपने दीपू भाई, चंदन भाई। तो चलते हैं, पहले अपनी गाड़ी में भराते हैं हम फ्यूल। चूतिया है क्या बे? तीन हो रिया, तीन हो रिया, तीन ऊपर अब भी हो रिया। ये बता, देखो ये क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा। ये देखो गाइस, ये इसकी हरकतें देखो, तुम हरकतें इसकी गाइस। ये देखो थोड़ा गुस्से में आ गया, तेरी भैंसड़ी के ऊपर ही ऊपर कर रहा गाइस। चलते हैं अब, और जल्दी से चलते हैं अपने बॉस के घर। बॉस के घर थोड़ा सा काम है हमको गाइस। यहाँ तो घपला हो गया, हम रास्ता भूल गए, हमें बॉस के घर का रास्ता भूल गए हम। अगले मोड़ से कटना था, पिछले मोड़ से कट गए। हाँ ये रहा वो रास्ता। चलो गाइस चलते हैं। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया उसका। जब यहाँ से चलते हैं, बॉस हमारे आगे चल रहे हैं, और सुलेमान भी हेलमेट लगा के आ रहा। नेक्स्ट लेवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं सब कुछ कैप्चर हो रहा होगा। इसका ये सस्ता वाला, वो महंगा वाला है, वो अभी नया नया आया, ये पुराना हो गया। डिस्प्ले है उसके आगे भी। हाँ तो वो 11 है, ये 7 है सीरीज, वो फिर हीरो 7 है, वो 11 है। चूती है, अरे चमन चूती है, वो क्या समझा रहे हो। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर क्या पड़ेगा? अब पड़ेगा भाई कोटा बाग। ऊपर को रोड या रोड जा रहा तो भाई, यहाँ पर ना रोबी भाई को काटने का एक मौका चाहिए होता है तो पूरी काट दे यार। ऊपर को कोटा वाला चलने पर जाओ, ऊपर को रोड पड़ रहा है, रोड रोबी भाई को चीन निप 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 थे मोड़ पे। मैंने कैमरा चालू करा था, वीडियो मेरे जरूर होंगे, वहां से करके देखना यार। तो आगे कोई जानवरों का सीन पड़ेगा भाई, खुले इतना बड़ा जानवर ब्लॉगिंग कर रहा, और क्या जानवर देखेगा अबे, इससे बड़ा जानवर क्या देखेगा, कुछ भी देख लिया वीडियो में। जंगल वाला इलाका आने वाला है आगे, तू थोड़ा बच के रही हो, तू थोड़ा बच के रही हो। क्यों लग गया? खाएगा क्या फायदा? कुत्ते कहेगा यार आ गया, कहेगा यार आ गया मेरा, कुत्ता कहेगा यार आ गया मेरा। गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, बतेरी बकचोदी हो गई है। तो भाई तुम भी, इनका भी चैनल है ना, ना। बकचोदी बहुत हो चुकी है, सबसे महान बकचोद हमारे साथ आज ये है। तो चलते हैं फिर, और ये अपनी अलग ही धुन में है। ये पहुंच चुके हैं कोटाबाग। कोटाबाग सिटी है, कोटाबाग की सिटी है। आई एम वेरी कंफ्यूजन गाइस, वही और निब्बा निब्बा इस खड़ा होइंग। कोपरो अपना चालू है गाइस, कुछ अनसीन दिखाने के लिए। अनसीन पॉइंट होते हैं जहाँ दिखाते हैं हम, वहाँ मिस्टर धोनी इंडिगो पैंट्स लेकर खड़े हैं। हेलो धोनी भाई, कन्फ्यूजन है यहाँ सामने दो गांव कट रहे हैं, पांडे गांव, दूसरा काला डोंगी, कोटावाग काला डोंगी। I feel better and good. My bike is slow, slow chaling. Kaddu chaling. Guys, dekh raho, 100 cc ko na 200 cc ko takkar de raha hai. Ye sabse aage reh raha hai. Kala aadmi. Galat aa gaye. Oh, bhai, bol diya, peeche jo girls college jo hai, girls college. Haan, wahan se bhai peeche se hi hai road, udhar ko nikal le. Iske maa chuke hum galat. To bhaiya ji, 4 foot kar chuka hai. To wow, super amazing. Nice. Wonderful. आप पीछे चलना भाई, वाह कांग्रेचुलेशन, लोकेशन के मालिक आप थे ना। चलो कोई नहीं कोई नहीं, जितनी लोकेशन ढूंढेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइनली गाइज हम रास्ता भूल चुके थे, और हमें जाना कहाँ है गाइज, लोकेशन का कोई कहीं से कहीं तक पता नहीं चल पा रहा कहाँ है लोकेशन। एक आदमी से पूछ रहा है चंदन भाई, चंदन ने रास्ता पूछ लिया है, और अब चलते हैं देखते हैं हमें हमारी मंजिल मिलती है या सिर्फ हम भटकते ही रहेंगे। मैंने रोका उस बोर्ड को देख के, तो मैंने रोका, मैंने कभी गलत ना निकल जाए। वीडियो बननी है ना, तो वीडियो बनाने के लिए तो है ये। पूछ लो पूछ लो, धो ना सकते, ठंड हो रही है तो तुम पूछोगे? इससे पूछ लो भैया से,
भैया जो भीम का पत्थर है वो सामने कहाँ पर सामने आगे बेंट पार कर लो आगे सामने तो फाइनली गाइस भीम का पत्थर आ गया। हम देखने के जा रहे हैं भीम का पत्थर आखिर क्या है। भीम के पत्थर है भीम का लड्डू नहीं मिलेगा आज देखने को। आज मिलेगा भीम का पत्थर देखने को। ये है भीम का पत्थर ये वाला कौन सा वाला ये वाला भीम का लड्डू नहीं भीम का पत्थर देखने को मिलेगा आज। एक बैंड पार करो अरे भाई ये भाई बाइक गई बच गया। तो फाइनली गाइस हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारी लोकेशन है ये चावल चावल का कंकड़। सही बोला ना मैंने चावल का कंकड़ आपको दिखने नहीं। आज भीम का लड्डू देखने को नहीं मिलेगा आपको मिलेगा आज भीम का पत्थर देखने को गाइस। तो चलते हैं अब और आज आपको दिखाएंगे भीम का पत्थर। भीम का लड्डू नहीं वो लड्डू नहीं जिसे खा करके भीम के अंदर ताकत आ जाती थी आज हम आपको दिखाएंगे भीम का पत्थर। यस हमारे ब्लॉगर 1 2 3 4 5 एक कंगिया ओ भाई ए भाई यहाँ को आओ भैया इधर को इधर को। अरे यार एक बंदा कहाँ गया 1 2 3 4 5 छठा कहाँ गया छह जने आए थे। तो भैया जी रोबे भाई हमारी गिनती लगा रहे हैं हर जगह पे। अरे यार भैया तू गिनती लगा ले तू इधर को आके गिनती लगा ले। अब गिनिए कितने बंदे हैं गिनिए गिनिए वही गिनिए कितने बंदे। अब बंदे होते हैं 1 2 3 4 5 पांच हो रहे ना छठा कहाँ गया। तो भाई जो छठा बंदा है वो हमारा मिस है तो भैया जी उसके ऊपर रखेंगे इनाम जो भी हमारे छठे बंदे भाई छठा बंदा घूम 1 लाख रुपए का इनाम। कौन कौन देगा 1 लाख रुपए का इनाम भाई छठा बंदा भी मिल गया देखो कहाँ। अरे भाई अब गिनो अब तुम गिनो भाई आप गिन अच्छा गिनिए 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 जरा गिनिए गिनिए तू बंदे गिन ले 1 2 3 4 5 बहुत ही बड़े वाले भाई ये है भीम का पत्थर और गाइस यहाँ देखो ये देखो गाइस यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें इसका मतलब समझे तुम यहाँ खजाना होगा पक्का। खजाना है इस पत्थर के नीचे है। खजाना इस पत्थर के नीचे है सदियों पुराना है आपका नहीं है। तो ये रहा वो पत्थर हमें तो इतनी जानकारी खैर इस पत्थर की है नहीं तो हमारे भाई बताएंगे। बीसी बॉयज ने फाइनली ये ढूंढ लिया है और जो ये कहते हैं भाई महाभारत के टाइम पे भीमसेन थे पांडव पुत्र थे जो 5 पांडव पुत्र थे तो वो यहीं पे थे। तो भैया जी जो उस टाइम कहते हैं कि उनके दाल चावल जब उन्होंने खाया था तो उनके मुंह से भाई खाने के टाइम पे कंकड़ निकला था। तो जैसे अपने लोग भी भाई हम खाते हैं तो मुंह से भाई कंकड़ निकलता है छोटा सा तो हम उसे निकाल के फेंक देते हैं। तो भाई आप सोच सकते हो जो भीमसेन ने भाई जो कंकड़ निकाला था जो कंकड़ वो इतना बड़ा हो सकता है भाई थोड़ा कैमरा लगाना भाई उधर को। तो भाई जो कंकड़ इतना बड़ा हो सकता है तो भाई सोच लो उनका शरीर कितना बड़ा होगा। तो भाई फाइनली तुम्हारा डीसी बॉयज भाई एंड भाई रोमियो एंड भाई सल्लू किंग था। मुझे पता है अभी तक इसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा तो फाइनली डीसी बॉयज ने ये एक्सप्लोर कर लिया है और ढूंढ लिया भाई भीम के मुंह से निकला हुआ पत्थर उठा लिया है नीचे दिखाओ। उठा जैसे ही दिखाऊंगा ऐसे ये सारे भाग जाएंगे। पहले जाओ तुम नहीं मैं रोका पड़ा हूं इसे जाओ। ये गंदी बातें कौन कर रहा है नहीं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं ये जो पांडव पुत्र थे जिसमें थे भीमसेन दाल चावल खा रहे थे उसमें ये पत्थर निकला था ऐसा माना जाता है। ऐसा हमारे बॉस बता रहे थे चंदन बॉस वो अपना शूट कर रहे हैं नीचे। इतना बड़ा पत्थर तो फिर यार निवाला कितना बड़ा होगा और निवाला कितना बड़ा होगा तो वो खुद कितने बड़े होंगे और वो खुद कितने बड़े होंगे तो वो कौन सी धरती पर रहते होंगे। काफ़ी पॉइंट की बात है और इस पत्थर का देख सकते हो ये सिर्फ एक कोना दिखाई दे रहा ये वाइड एंगल में वाइड एंगल लगा के भी पूरा शूट नहीं हो पा रहा। और ये देखिए आप इसके नीचे का गैप सिर्फ और सिर्फ एक कोना टिका हुआ है। मैं इसे कोशिश करता हूँ पूरा दिखाने की तो वो पूरा आ नहीं पा रहा है। इधर का दिखा रहा हूँ तो इधर का कोना नहीं आ पा रहा इधर का दिखा रहा हूँ। और फाइनली गाइस यहाँ कुछ मिल गया और जल्दी से देखते हैं ये कुछ चांदी का बना हुआ है ये इसे हाथ नहीं लगा सकते हम क्योंकि सिरापित हो सकता है। लेक में ये चांदी का नहीं मुझे तावे का लग रहा कुछ सिरापित। तो देख रहे हो गाइस कैसे कैसे चढ़ाया जा रहा है वीडियो हेल्प ब्रो लाओ हेलमेट तो हेलमेट
हेलमेट मैंने यहीं रख दिया। हाँ चलो अबे ओए मैं भी हूँ भैया मैं भी हूँ। चलो फाइनली गाइस हमारी टीम यहाँ पहुंच चुकी है भीम के पत्थर के ऊपर और हमारे रोमियो भाई ये ढक्कन है, ये रोमियो भाई खुद एक ढक्कन है। अरे झूठ है यार, जिंदा कुछ भी तो ना है इसके अंदर। एक सेकंड तो हमारे रोमियो भाई इस बात का खुलासा करते हुए ये ढक्कन नहीं है, बस खाली एक पत्थर है। देखो ये जिंदा झूठ है। ये देखो कुछ है इसके नीचे, कुछ है दिख रहा, कुछ है कहा है 500 की गड्डी। अब पहली बात तो बताओ 500 के नोट नए वाले पुराने वाले? नए वाले हैं, पुराने वाले निकाल लिए थे फिर नए वाले डाले। नए वाले डाले ना तो सही है, फिर देख लेते एक बार। सिरापित है तो धन का लालच कोई मत करना। देखो नाक बहुत मोटा निकल कर आएगा यहाँ पर, पहले बता रहा हूँ। दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया बताओ? क्यों ना इसमें चैन डाल के अपनी केटीएम से खींचा जाए। केटीएम से? ट्रैक्टर से नहीं खींची। ट्रैक्टर से नहीं खींची इमरान भाई, ये ट्रैक्टर से तुम केटीएम की बात कर रहे हो? चल रही है गोवा घूमने की उम्र में हम जंगलों में घूम रहे हैं भाई। पत्थरों की खोज कर रहे हैं। गोवा घूमने की उम्र में जंगलों में घूम रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं चंदन भाई, ये अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा है। हमने कर दिया लेकिन तीन चैनल ने एक हमारा सुल्लू किंग, एक हमारा डीसी बॉयज, और अपनी बाइक उधर खड़ी है गाइस, देखो दिख रही है ये। और यहाँ से इसकी गहराई कम से कम ना भी तो 70 फीट गहराई है नीचे। 70 फीट ऊपर खड़े हैं हम। 70 फीट खत्म। देखो गाइस कितने ऊपर खड़े हैं। करो वो तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भीम के पत्थर के ऊपर। और भीम के पत्थर के ऊपर हमें यहाँ पे कुछ खजाना नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कजाना भैया, कजाना ले मैं तो फोटो भाई फोटो। तुमको क्या लगा था नहीं लौटेंगे? लो हम आ गए अपने नए अंदाज में। तो फाइनली गाइस हमने इस भीम के पत्थर को एक्सप्लोर किया और इस पत्थर के ऊपर जो छोटा सा पत्थर है वो इस पत्थर का ढक्कन है। इसके अंदर एक गुफा टाइप है, उसमें खजाना है लेकिन ये श्रापित है। इसको कई बार कलयुग के लोगों ने कई बार जो है इसको हटाकर इसके अंदर का खजाना निकालने की कोशिश करी है, लेकिन जो भी आया है नाकाम ही लौटा है और जान बचाकर ही भागा है। इसलिए सिर्फ हमने ऊपर गए देखा, खजाने का इतना सा मन नहीं था, इतना सा अंदर से कह नहीं सकते पर बाहर से इतना सा मन ताकि किसी को भनक नहीं लग जाए। और सुनने में आया जो ऊपर का पत्थर है वो किसी भाई ने सब्बल से हटाने की कोशिश करी थी। 6 मोटा काला नाग लिपटा उस बहन के लोड़े को। जब ये बात हमें एक आंटी ने बताई, वो यहीं की है लोकल की, वो यहाँ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तो मैंने सबको समझा दिया कि खजाने का नाम नहीं लेना, खजाना होता कैसा। लेकिन अंदर घुस के देखा इतना सा छेद दिखाई दे रहा था, इसका क्या मतलब समझे? मतलब खजाना है, अकेले मांगा किसी दिन। तो सभी लोंडे चलने के लिए हो चुके हैं रेडी, तो फटाफट चलो जल्दी से और खान पान करवाओ, लोंडो की एनर्जी डाउन हो रही है। बेचारे सबके सब भूख के मारे, सब बड़े अजीब जानवर है, खाते जा रहे खाते जा रहे। तो फाइनली गाइस खा पी के यहाँ से निकल चुके हैं सबके सब। यहाँ बना था अपना ट्रम सट्रम।
तो गाइस हम निकल चुके हैं अब घर के लिए और व्यू देखिए गाइस, आपको व्यू दिखाने के लिए मैंने GoPro अपना ऑन किया है। व्यू कितना शानदार व्यू आ रहा है गाइस, ओह मजा आ गया गाइस, और बहुत ही ठंडी ठंडी फील आ रही है यहाँ पर, और अपनी बाइक भी अच्छा परफॉर्म कर रही है गाइस। सुलेमान भाई कैसा लग रहा है आपको? दोनों कान सुन हुए पड़े हैं भाई। दोनों कान सुन हुए पड़े, तो गाड़ी इतनी भगाई क्यों थी आपने? क्या करें, हमारे पीछे से तुम ना नजर आए तो मैंने सूत रहे हैं या सूत रहे हैं। और आपकी कैसी फीलिंग आ रही है इमरान भाई? हैवी बैड, ऐसा लग रहा है जैसे बैटरी डाउन हो गई है। अबे बैटरी मैंने बदल दी GoPro की, एनर्जी लो हो गई यार। चलो ठीक है फिर चलो। कैसे कैसे चलो ट्राई करो ट्राई करो। ये ओ भाई उठा दी भाई ने उठा दी। एक एक अकेले में उठाओ, अकेले में कभी वो गिर जा पकड़ने का जुगाड़ा भी नहीं है। चलो स्लिप हो रही है। तो भैया जी यहाँ पे करते हैं अलविदा, बाबा टाटा, एंड पहुँच चुके हैं घर, यहीं पे करते हैं वीडियो। तो अगर आपको ज़्यादा देर बाद नहीं, कल को मिलते हैं। तो गाइस चलते हैं अब यहाँ से और अब निकलते हैं हम घर के लिए। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं घर। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।